अपने नाटक के जरिए लोगों को क्या संदेश दिया है आपने? जी, हम फन अकेडमी भिवंडी के लोग 10 साल से ये पद्म नाटक ट्रैफिक पुलिस का जगह जगह जाकर लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल को फॉलो करोगे, हेलमेट का यूज़ करोगे, सीट बेल्ट का यूज़ करोगे, दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाओगे, ट्रैफिक के सारे नियम का पालन करोगे तो आप भी सेफ रहोगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। आखिर क्यों ये सवाल है। हर साल हमारे देश में एक्सीडेंट से 1 से 1.5 लाख की मौत होती है और 3 लाख जैसे लोग जख्मी और अपंग होते हैं। आखिर क्यों हर साल ट्रैफिक पुलिस रास्ता सुरक्षा अभियान चलाती है। हमारा ड्रामा करने का मकसद यहाँ पर आप लोगों को हंसाना और तालियां बजवाना नहीं था। हमारा मकसद ये था, इंसान अगर चाहे तो अपने जान की हिफाजत खुद कर सकता है। सोचो, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है ये तो स्टैटिस्टिक्स खुद बताता है। गो थ्रू द महाराष्ट्र स्टैटिस्टिक्स एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफ रिगार्डिंग एक्सीडेंट, एवरी ईयर देयर आर नियरली 1,50,000 पीपल डाइड इन एक्सीडेंट। 1,50,000 के ऊपर लोग मरते हैं पूरे भारत में। इंजर्ड भी कम से कम 3 लाख के आसपास है और महाराष्ट्र में भी कम से कम 14,000 डेथ होती है और उससे कई डबल जो एक्सीडेंट में इंजर्ड होते हैं। एक डेथ मतलब एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारे अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये प्रोग्राम हम इसके लिए कर रहे हैं कि लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस ज़्यादा हो जाए। जो अभी बच्चे कर रहे हैं उनको देख के तो समझेंगे, ये बच्चे जो बता रहे हैं वो हमें फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, रेगुलेशंस फॉलो करना है, जो डिसिप्लिन है हमें अपने आप में लाना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कॉमन सेंस है, हम लोग अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस हमारी थोड़ी सी निग्लिजेंसी, जैसे कि हम फोन आ गया, इमरजेंसी है, कुछ है तो चलते हुए गाड़ी पे बात करेंगे, जैसे कान को फ़ोन लगाएंगे गाड़ी भी चलाएंगे। जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन सुनने में ज़्यादा होता है, इन्फॉर्मेशन लेने में होता है, लेकिन आँख हमारे सामने देखती है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, मिसमैच हो जाता है ब्रेन का थिंकिंग, तो इसमें ही ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। कभी कभी फोर व्हीलर चलाते वक्त हम लोग टेक्स्ट मैसेज करते रहते हैं, टाइप करते रहते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट है वो टेक्स्ट मैसेज की वजह से, और अगले आने वाले एरा में भी ऐसा ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट रहेंगे, जो डेथ कैजुअल रहेगी, वो बिकॉज ऑफ टेक्स्ट मैसेज।